कैसे हैं वीवर साहब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ हैदराबादी बीफ की तहारी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और झटपट सी बन जाती है। इसमें जो देर लगती है, बस गोश्त गलने में देर लगती है, उसके बाद तो ये फौरन से झटपट एक घंटे के अंदर अंदर ये तहारी बन जाती है। जब कभी कोई ऐसा मसला हो, जल्दी से हमें कोई चीज़ बनानी हो, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि चलो हम तहारी बना लेते हैं। चले आए तो स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आधा किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त, दो बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इसे कट कर लिए, एक प्याज लेके बड़े साइज़ की इसको कट कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 4 लौंगे, 4-5 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 3 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी स्टिक है और 3 तेज़पात के पत्ते। मसालों में लिया है 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 प्याली तेल लिया है मैंने, 1/2 प्याली दही ली है, तकरीबन 1/2 पाव है ये, और 1/2 किलो चावल लेके बासमती राइस लेकर इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। चले आए तो स्टार्ट करते हैं। एक पतीला लेके इसे वॉश करके हमने चूल्हे पे रखा है। पतीला हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें तेल डालेंगे। और एक बड़ी प्याज की डल्ली जो हमने कट करके रखा था ये इसमें डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भून के हम गोश्त ऐड कर देंगे क्योंकि गोश्त भी अच्छे से अदरक लहसुन और तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। पांच मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों को भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। थोड़ा सा भून के हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर जो हमने कट करके रखे थे। टमाटर को भून के हम डालेंगे दही, 1/2 प्याली दही थी हमारे पास, तकरीबन 1/2 पाव। अब 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। देखे व्यूअर्स, 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से भून लिया।
दही ने भी अपना पानी रिलीज किया और टमाटर ने भी अपना पानी रिलीज किया। अब हम एक गिलास पानी इसमें और ऐड करेंगे और गोश्त को गलने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हम ढक्कन ढाँप देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें, तहारी का गोश्त हमारा गल रहा है। जब तक हम कुकम्बर, ऑनियन, रायता बना लेते हैं, इसके लिए हमने आधा पाव दही लेकर इसे फेंट के रख लिया है। अब हम इसमें कुकम्बर ऐड करेंगे। ऑनियन को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। पुदीना भी साथ में बारीक कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं, मगर मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। और ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छे से मिला लिया है, ये सब मिक्स हो गया है। रायता हमारा रेडी है। अब हम तहारी के साथ इसे निकालेंगे। आधा घंटा हो गया है, देखें गोश्त हमारा गल गया है और आधा घंटा हो गया है। तेल ऊपर आ गया है सारा, पानी भी हमारा खुश्क हो गया है, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे, चार हरी मिर्चियाँ डालेंगे और धनिया पुदीना डालेंगे। और इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका डबल हम पानी लेंगे। दो गिलास के करीब हमने चावल लिए थे तो हमने चार गिलास पानी लिया है। ये पानी जब खौल जाएगा अच्छे से तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पानी में जैसे ही बॉईल आएगा तो चावल डालेंगे। पानी हमारा अच्छे से खौल गया है, चावल का पानी निकाल के अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और इसे एक दफा हिलाएंगे हम। चावल हमारे काफी देर से भिगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि हमारे चावल टूट जाए। इसे ढक्कन लगाकर हम तेज आंच पे 7 मिनट के लिए पकने देंगे। हाफ पानी इसका कुक हो गया है। अब हम इसकी आंच स्लो करके 10 मिनट के लिए इसे स्लो आंच पे पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी खिले खिले से चावल बने हैं हमारे। चले अब हम आपको डिश आउट करें। अच्छा, तो देखें हमारी यमी सी तहारी रेडी है। आप लोग मेरी तरकीब से बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। पी अमानंद।